नमस्कार। निर्देशक की भूमिका वाले वीडियो के भाग एक में आपने देखा कि एक निर्देशक स्क्रिप्ट का निर्माण और शॉट्स का चुनाव कैसे करता है। इस भाग में हम सीखेंगे कि एक निर्देशक किरदार और शूटिंग लोकेशन का चुनाव कैसे करता है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि एक निर्देशक अपने किरदार का चुनाव कैसे करता है। अच्छी खाद के लिए कैसी फसल डालनी चाहिए, आज मैं आप सबको इसके बारे में बताऊंगा। अरे कट कट कट, आपने थोड़ा उल्टा बोल दिया। अच्छी खाद के लिए फसल नहीं, अच्छी फसल के लिए खाद। चलिए एक बार फिर से लेते हैं। एक्शन। अच्छी फसल के लिए कैसी खाद डालनी चाहिए, आज मैं आप सबको इसके बारे में बताऊंगा। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, कितना अच्छा डायलॉग बोला है। अब अगला बोलते हैं। एक्शन। जलवायु परिवर्तन का हमारी खेती पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए अब डायलॉग तो आपने बहुत अच्छा बोला, बट ये डायलॉग आपको इस कैमरे में देख के बोलना था, ठीक है? और आप इतना घबरा क्यों रहे हो, इतना अच्छा तो कर रहे हो आप। चलिए अब दूसरा डायलॉग बोलते हैं। एक्शन। एक अच्छा किरदार वीडियो की जान होता है। एक किरदार का चयन करते समय ये परख ले कि उसके हाव भाव, डायलॉग बोलने का तरीका और उसके बोलने की गति सही हो। साथ ही इस बात को भी पक्का कर ले कि वो कैमरा के सामने सहज हो। चूंकि हमारे ज्यादातर एक्टर किसान होते हैं, इसलिए ये जरूरी नहीं कि जो किसान आम बोलचाल में काफी अच्छा बोलते हो वो कैमरे के सामने भी अच्छा बोले। इसलिए शूटिंग से कम एक या दो दिन पहले किरदार का चुनाव कर लें, उसे स्क्रिप्ट के साथ बार बार प्रैक्टिस करवाएं। इससे उसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और शूटिंग के दौरान आपका समय भी बचेगा। साथ ही किरदार के चुनाव के लिए हमें महिला, पुरुष और समुदाय के सभी लोगों को मौका देना चाहिए। इसके बाद आता है लोकेशन यानी जगह का चुनाव, और इसकी जिम्मेदारी भी निर्देशक की होती है। वीडियो शूटिंग का लोकेशन आपके स्क्रिप्ट के हिसाब से होना चाहिए। एक अच्छी लोकेशन आपके वीडियो में चार चांद लगा देती है। अच्छे लोकेशन से हमारा मतलब एक ऐसे स्थान से होता है जो हमारे स्क्रिप्ट की मांग और उसकी जरूरतों को पूरा कर सके। आप अपनी लोकेशन को हमेशा सड़क, स्कूल, अस्पताल, ऑफिस, बाजार या किसी सार्वजनिक जगह से दूर रखें, नहीं तो आपकी वीडियो की आवाज में शोरगुल सुनाई देगा और लोगों के आने जाने से शूटिंग में रुकावट आ जाएगी। कोशिश करें कि पेड़ के नीचे भी अपना शूटिंग स्थान ना रखें, नहीं तो तेज हवा चलने से भी वीडियो की आवाज खराब हो जाएगी। वीडियो में इस्तेमाल होने वाली सभी जरूरत की चीजें उस लोकेशन पर मौजूद हों, इस बात को तय कर लें। लोकेशन का चुनाव करते समय हमें शूटिंग के स्थान पर रोशनी का ध्यान भी रखना चाहिए। शूटिंग के दौरान किरदार जमीन पर बैठेंगे या खाट पर, और उस समय वहां कितनी रोशनी होगी इसका अंदाजा भी लगा लेना चाहिए। इसके अलावा जहां वो बैठेंगे उसके आसपास रिकॉर्डिंग के समय कैमरा को घुमाने की जगह है भी या नहीं, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस जगह पर शूटिंग करनी हो उसके मालिक को शूटिंग का दिन और समय जरूर बता दें, और शूटिंग के लिए उनकी लिखित सहमति भी ले लें। लोकेशन ढूंढने का काम शूटिंग से 3-4 दिन पहले ही कर लें, ताकि लोकेशन के हिसाब से स्क्रिप्ट में बदलाव किया जा सके। डायरेक्टर को हमेशा कंटेंट, लोकेशन और किरदार का चयन KVK और वहां काम करने वाले लोगों के साथ मिलकर करना चाहिए। तो इस तरह आपने इस भाग में देखा कि कैसे एक निर्देशक शूटिंग लोकेशन और किरदार के चुनाव में अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। अगले भाग में हम ये जानेंगे कि एक निर्देशक की शूटिंग और एडिटिंग के दौरान क्या भूमिका होती है। धन्यवाद।